हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह और आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। जो आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं स्कॉर्पियो के अंदर मैट्रिक्स एलईडी लाइट डी पिलर, जो ये हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं विदाउट वायरिंग कटिंग। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारी स्कॉर्पियो S11 और ये S11 के अंदर ये ब्लैक वाला डी पिलर आता है, ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं मैट्रिक्स एलईडी डी पिलर लाइट। आप ये देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दो नट बोल्ट कसे रहते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको खोलने के लिए यहाँ पे ये वाले दो नट बोल्ट खोल के आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल सकते हैं बगैर टूटे फूटे इसके अंदर। और आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे मैट्रिक्स एलईडी लाइट डी पिलर है ये, और ये पूरा सील्ड रहता है और इसके अंदर ये पूरा वाटरप्रूफ रहता है। और इसके अंदर चार वायर रहती है, ब्रेक, पार्किंग, इंडिकेटर। और आप ये देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी बढ़िया फिनिशिंग है इनकी, और ये लगने पे काफ़ी अच्छा लुक आता है गाड़ी का। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो कंपनी देती है ब्लैक कलर का डी पिलर, वाला डी पिलर हट जाता है। और आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको निकालना रहता है, नहीं तो ये नीचे की टेल लाइट टूट जाती है, काफ़ी नीचे टेल लाइट वजह से कभी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो नीचे की टेल लाइट टूट जाती है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको खोलना रहता है। जो कंपनी जो डी पिलर देती है वो हम निकाल चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल सेफ़ तरीके से निकाल चुके हैं। और ये हमारा डी पिलर इसके अंदर लग चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एज टू एज बिल्कुल फिटिंग हो जाती है इसकी। आप देख सकते हैं, आपको कहीं से कहीं तक आपको गैप नहीं मिलेगा। अभी जो न्यू जनरेशन जो स्कॉर्पियो आ रही है, ये वाले डी पिलर, उसमें भी आपका इंस्टॉल हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और ये हम विदाउट वायरिंग कटिंग करने वाले हैं, और ये रहता है आपका कंपनी फिटेड सॉकेट रहता है, इसके अंदर हम लोग वायरिंग कटिंग नहीं करने वाले हैं, इस टाइप से पूरा सॉकेट निकल जाता है। और जो हम लोग इंडिकेटर का और आपका ब्रेक का, पार्किंग का और एक ग्राउंड का वायर हम लोग चेक कर करके हम लोग हर एक वायर इसके अंदर सॉकेट के अंदर हम लोग डालने वाले हैं हर एक वायर। और आप देख सकते हैं, वायर को छील के हम लोग डायरेक्ट सॉकेट के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारी गाड़ी की वायरिंग कटिंग नहीं होती है और गाड़ी की वारंटी भी बिल्कुल बची रहती है। और जैसे आप कहीं पे भी करवाते हैं तो जैसे दुकानदार ये बोलता है कि हाँ साहब कि हम वायरिंग कटिंग नहीं करते, और अपनी जो कंपनी की वायर रहती है उसको क्या है कि वो लोग ब्रेक कर देते हैं, तो उसमें क्या है कि शॉर्ट सर्किट का भी क्या उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। तो आपको इसी टाइप से करवाना रहता है कि सॉकेट के अंदर सॉकेट टू सॉकेट करके आप वाला वायर बिल्कुल फंस जाता है। आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से पूरा सॉकेट के अंदर पूरे वायर या पूरे वायर उसके अंदर हम लोग लगा चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और इसके ऊपर हम लोग जो ये जो वायर खुले हुए हैं इनके ऊपर हम लोग टेप मार देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर हमने बिल्कुल टेप हमने लगा दिया है ताकि आपस में वायर टच ना हो। बाकी ये हमारा मैट्रिक्स एलईडी लाइट डी पिलर बिल्कुल ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, ये आप देख सकते हैं ये ऑन कैसे होता है बिल्कुल मैट्रिक्स एलईडी डी पिलर। ये आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेक जैसे हम दबाते हैं तो ये ब्रेक पे ये ऑन हो जाता है। और जैसे हम कभी इंडिकेटर देते हैं तो ये इंडिकेटर राइट लेफ्ट का टर्न का ये इंडिकेटर भी साथ में ऑन हो जाता है। ये आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, बिल्कुल आप देख सकते हैं साइड लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो का। बाकी इसके अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो का। और जैसे कभी आपको कभी ये मैट्रिक्स एलईडी डी पिलर लाइट चाहिए हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हम लोग इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, ये हमारी EL वायर डैशबोर्ड लाइट, ये हमने इंटीरियर के हिसाब से कलर के हिसाब से हमने ये EL वायर इंस्टॉलेशन किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं पूरे डैशबोर्ड पे बिल्कुल सिंगल वायर पूरा लगा चुके हैं,
बिल्कुल, जैसे गाड़ी के अंदर जैसे स्काई ब्लू टाइप की लाइट जलती है स्टीरियो पे, वो जैसे हमारे एसी के स्विच पे, जैसे हम रात में पार्किंग ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं स्टीरियो के नीचे स्काई ब्लू टाइप का ही हमने ये ईएल वायर भी लगा चुके हैं। कितना प्यारा लुक आ रहा है स्कॉर्पियो का, डैशबोर्ड का अंदर का इंटीरियर का आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है।